अब हमारे भगवान ब्याह के योग्य हो गए, लेकिन रिश्ते वाला तो कोई आता ही नहीं, और आएगा भी तो आएगा कहां से, क्योंकि पूर्व का करैक्टर बहुत खराब है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, पूर्व का करैक्टर बहुत खराब है। किसी की मटकी को तोड़ा है, तो किसी के कपड़ों को छीना है, तो किसी के माखन को चुराया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी नंबर नहीं लगा, अगर नंबर लग गया ना तो आप संभालते संभालते थक जाओगे। अरे कृष्ण के विवाह की कोई कमी थोड़ी ही है संसार में। एक श्लोक में पहले आदरणीय सुखदेव जी ने बलभद्र जी के विवाह का वर्णन किया। आदरणीय बलभद्र जी का विवाह रैवत की पुत्री आदरणीय रेवती महारानी से हुआ। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव रेवती महारानी सतयुग की और आदरणीय बलभद्र जी द्वापर युग के, ये विवाह कैसे हुआ? जब रेवती महारानी के लिए कोई वर नहीं मिला तो एक दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए महाराज रैवत और बोले, मेरी बेटी के भाग्य में तुमने कौन सा वर लिखा है? और उस समय वहां ब्रह्मा जी के दरबार में कुछ सत्संग चल रहा था और एक घड़ी के लिए वहां भूल से रुक गए और ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे अब तो धरती पर कई लोग कई युग बीत चुके, क्योंकि देवलोक के समय में और मृत्यु लोक के समय में बहुत अंतर है। वहां की एक दो घड़ी और यहां के एक दो युग बिल्कुल बराबर है। चले जाओ, इस समय कृष्ण का अवतार हुआ है, उनके भाई बलभद्र हैं, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। आए हैं, आकर के निवेदन किया है बलभद्र जी से, बलभद्र जी ने अपने साथ विवाह किया है। आदरणीय रेवती महारानी सतयुग की, हमारे संत कहते हैं उनकी लंबाई 21 हाथ की है, लेकिन दाऊ बाबा द्वापर के उनकी लंबाई 7 हाथ की है। अब विवाह हो तो हो कैसे? कन्हैया तो बड़े नटखट हैं, बोले वाह भैया दाऊ वाह। अरे एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़ी बहू बड़े ही भाग, भाग्यशालियों को बड़ी बहू मिलती है। और देख भैया, कभी ऊपर मुंह करके तो बात करेगी ही ना, जब भी बात करनी होगी नीचे झुक के करेगी। दाऊ बाबा को लगा कि अभी तो विवाह हुआ नहीं और ये मजाक चालू, इसलिए दाऊ बाबा ने अपने हल को लिया है और रेवती महारानी के कंधे पर उसे रखा है और नीचे एक झटका लगाया है कि रेवती महारानी बलदाऊ जी के सीधे कंधे से आकर के मिल गई है। और तब से ये प्रमाण है कि अधिकांश पत्नियां लगभग अपने पति के कंधे पर ही आती हैं, लेकिन रेवती महारानी इतनी डर गईं, ये कैसा दूल्हा है, विवाह हुआ नहीं और तोड़फोड़ चालू, इसलिए इतनी डर गई आदरणीय बलराम जी से कि आज तक बलराम जी के बराबर में नहीं आती। आप दाऊ जी में जाकर के दर्शन करें तो बिचारी सामने एक कोने में हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके खड़ी है, आज तक दाऊ बाबा के बराबर में ही नहीं आती। अस्तु भगवान।